सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैनवा में किस तरीके से आप एक धनतेरस का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पर जाना है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर क्लिक कीजिए। अब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले तो इसके अंदर एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, कलर पर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट पे जाएंगे। यहाँ पर हम दो कलर में से एक कलर को रखेंगे थोड़ा ऑरेंज, इसको बिल्कुल कोने में ऊपर टच करा देंगे। इसके बाद नीचे हम रखेंगे ये वाला ऑरेंज, थोड़ा डार्कर, परफेक्ट। अब इसका हमें, इस ग्रेडियंट का हमें डायरेक्शन चेंज करना है, यहाँ नीचे जो ऑप्शन है इनमें से। अब इसके ऊपर हमें लगानी है बॉर्डर, तो यहाँ पर सर्च करते हैं डेकोरेटिव बॉर्डर। सर्च करने के बाद हम यहाँ पे ग्राफिक्स में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कुछ आता है कि नहीं। तो ये आ चुका है डेकोरेटिव बॉर्डर। इसको हम यहाँ पर रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री पे और रिसाइज भी कर लेते हैं बड़ा। अब कलर चेंज हम कर देते हैं, कलर इसका कर देते हैं हम येलो। इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर भी इसको लगा लेंगे। पर हम ऐड करेंगे रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप हमने यहाँ पर ग्राफिक्स में से ले लिया है। इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे और ये देखिए। अब इसका भी कलर हम चेंज करके हम वही कलर कर देते हैं ग्रेडियंट वाला, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर एक ग्लो इफेक्ट ऐड करना है, तो ग्लो सर्च करेंगे, येलो वाला ग्लो ये अच्छा लग रहा है तो ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर सर्च करते हैं फेस्टिवल सर्कल। तो फेस्टिवल सर्कल पे हमें क्या देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। तो ये हमें अच्छा लग रहा है कि ग्लो को इसके पीछे रखेंगे। अब इसके अराउंड हमें एक ये वाला पैटर्न भी अच्छा लग रहा है, इसको भी लगा देते हैं अराउंड में, सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च करते हैं फुट। तो यहाँ पर फुट सर्च किया मैंने, दो यहाँ पर पैरों के निशान हमने लिए, इसको छोटा करके सेंटर में ऐड कर दिए। इसका कलर हम कर देंगे रेड। स्वास्तिक सर्च करेंगे, स्वास्तिक, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, जूम करके इसको और अच्छे से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉइन, तो ये मैंने एक कॉइन सेलेक्ट किए हैं, इसको छोटा करके यहाँ पर लगा सकते हैं। और अब इसको हम एडिट पे जाएंगे और ब्लर पे जाएंगे, होल इमेज पर क्लिक कर देंगे और इसका इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा कम। ओके परफेक्ट। अब इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा ये। इसको ठीक है। अब इसके बाद हमें फिर से लिखना है गोल्ड कॉइन स्पॉट, जो अच्छा सा दिखाई दे रहा है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, इसको छोटा करके यहाँ पर हम लगा देंगे। और अब लिखते हैं गोल्ड कॉइन्स इस वाले को यहाँ रख देते हैं। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे और इस साइड भी रख देंगे। दोनों साइड रखने के बाद के बैकग्राउंड में भेज देते हैं ताकि ये मटके के पीछे चला जाए। अब लिखते हैं दिया। दियाज मिलेंगे, ये वाला मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये हमारे कलर से मैच कर रहा है। इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। अब इसके पीछे भी ग्लो ऐड करेंगे, ग्लो सर्च करेंगे और ये मैंने ऐड किया ग्लो, ऑल्ट वन प्रेस किया, पीछे लेके गए और बस। इसके आगे ऐड करेंगे यहाँ पर एंड कॉपी करके इसको यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। हम चाहें तो इसके नीचे शेडोज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे शेडो और ये आ गया हमारा शेडो। अब इसको ऑल्ट वन प्रेस करके दिया के पीछे भेजेंगे, लेकिन उससे पहले इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद ऑल्ट वन दबाएंगे और दोनों को दिया के पीछे डाल देंगे। अब हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं धन तेरस। ओके, इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देते हैं। डिज़ाइन हम इसका थोड़ा सा त्यौहार जैसा रखेंगे, जैसे कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और इसको सेंटर में कर देते हैं। तो अब इसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए और हैप्पी लिख दीजिए, हैप्पी। और इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए इससे, हैप्पी धनतेरस। एक और बार कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे, सेंटर में कर देंगे। इसका टेक्स्ट का हम फॉन्ट चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा थिन रखेंगे। अच्छा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ। बिल्कुल इतना। तो गाइज इसी तरीके से आप धनतेरस का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।